नाज़रीन अब कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। शेख रशीद अहमद गोल्फ कंट्री क्लब रेलवे अराजी केस खुद लड़ेंगे। वकील को 45 लाख दिए लेकिन 1 करोड़ मांग रहा है। शेख रशीद का सुप्रीम कोर्ट में मौकिफ। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स ये कि केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। शेख रशीद आइंदा जुमेरात को तैयारी करके आए। अदालत ने रैब से रेफरेंस की कॉपी भी तलब कर ली। गोल्फ कंट्री क्लब अराजी केस 9 साल से जेरे इल्तवा। लीज पर दी गई जमीन की कीमत 200 अरब से भी ज्यादा है। मुल्क का सरमाया तबाह हो चुका, क्लब अकाउंट में 1 पैसा भी नहीं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ बता दिया। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि क्लब में शादियां तो हो रही हैं, एक शादी का कार्ड तो मुझे भी आया, देखना यह है हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा काम तो नैब का ही है। वफाकी वजीर ने आगाह किया वकील को 45 लाख फीस दी है लेकिन वो 1 करोड़ मांग रहा है। आप इस मुल्क के सरताज हैं, दलाइल देने की इजाज़त तलब कर ली। मैं ये केस खुद लड़ूंगा और मैंने अदालत में बताया है कि जिसको हम हायर करते हैं उसको भी ये खरीद लेते हैं। सो इंशाल्लाह ताला जुमेरात को रेलवे मिनिस्टर खुद इस कोर्ट के सामने कौम का इंशाल्लाह केस लड़ेगा और सच और इंसाफ की फतेह होगी। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। शेख रशीद को आइंदा समाअत पर तैयारी करके पेश होने की हिदायत कर दी। साथ ही नैब से दायर रेफरेंस की कॉपी तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। करार दिया कि आइंदा समाअत पर फैसला ना हुआ तो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे।